Dear, dear student, this is Dr. Syed Kaleem. Today we'll be talking about class 9, chapter 1, an introduction to biology. So let's start with a couple of questions. Question number 1, which division of biology deals with the study of tissues? This may tissue ki study kiya jata hai. Options are anatomy, histology, entomology, and tissueology. What do you think? Histology. Very nice. So histology is the study of microscopic anatomy of cells and tissue of plants and animals. ठीक है कि जो plant है या animal है उनके छोटे जो cells जो आपस में मिल जाते हैं उसको कहते हैं tissue. उसकी study को कहते हैं histology. Histo means tissue. It is performed by examining a thin slice of the tissue under light microscope or electron microscope. कैसे फर्ज किया अगर आपने skin को study करना तो skin के जो छोटा सा पीस लेंगे उसको एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे स्लाइड फिर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो फिर वो जो जो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी करके नजर आएंगी आपको. एंड व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन डी टिश्योलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट. ये आपको वैसे ही चक्कर देने के लिए ऑप्शन दी गई थी. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. जैसे अगर कट करके देखा जाए कि इसमें ब्लड वेसल कौन सी है इसमें हार्ट कौन सा है बोन्स कौन सी है तो दैट्स एनाटॉमी. Entomology is the study of insects. Question number 2. A or an is a group of similar cells specialized in the performance of a common function. In this, कौन सी जो है वो group of cells है जो एक तरह के काम करते हैं उनको क्या कहते हैं that's right tissue. Each cell in a tissue has its own function and life process. But it also carries on some special process related to the function of the tissue. जैसे मसल सेल है मसल सेल का काम कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करना ये खाना तो नहीं खाना शुरू कर देगा. जैसे नर्वस टिश्यू जो है इसका काम क्या है सोचना या काम करना या चीज़ों को कंट्रोल करना. एपिथेलियल सेल जैसे स्किन का फंक्शन है इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू है जो जो मसल के साथ और पूरे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ के रखेंगे. एवरी जो सेल है ना जैसे एक मसल सेल है ना ये दिखाया गया इसमें एक सेल का भी ये फंक्शन है दूसरे का भी ये तीसरे का भी जो चौथे का पूरे हजारों लाखों साल मसल सेल का फंक्शन एक ही है. क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल. इनमें से माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल कौन सी है स्टार्च प्रोटीन लिपिड वाटर. दैट्स राइट वाटर. एक्सक्यूज मी. A micromolecule is a molecule of relatively low molecular weight compared to a macromolecule. Starch, protein and lipids are all macromolecules. वो बड़े होते हैं. Question number 4. Members of the same species living in the same place at the same time make what? Excuse me. Same species है. एक जगह पे रह रहे हैं उसको क्या कहेंगे. हैबिटेट बायोस्फीयर कम्युनिटी पॉपुलेशन की डेफिनेशन बेटे आपने याद कर लेना. पॉपुलेशन डेफिनेटली जैसे ये दिखाया गया कि बर्ड्स यहाँ पे रह रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पॉपुलेशन में बी रिलेटिवली स्मॉल एंड क्लोज एज ऑन आईलैंड और इन अ वैली. किसी आईलैंड पे हो या किसी वैली में हो कहीं भी रह रहे हो they may be more diffuse or without a clear boundary between them and neighboring population of the same species ko kehte hain population. Question number 5. If a scientist is studying the methods of inserting human insulin gene in the bacteria which brand of biology is this. Anatomy physiology biotechnology pharmacology. Agar nahi aata aapko to aap dekhiye anatomy kya tha jaise maine bataya tha ki अगर किसी चीज़ को काट के उसको कट करके उसको एनालिसिस करें एना मीन एनालिसिस टोन मीन पीसेस. फिजियोलॉजी जिसमें फंक्शन को स्टडी किया करते हैं जैसे आँख का क्या फंक्शन है देखना स्टमक का क्या काम है फूड को डाइजेस्ट करना. फार्माकोलॉजी अगर मेडिसिन के बारे में मतलब मेडिसिन से मतलब है कि फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए इसका कैसे काम करती है जो जो जिसको जब में कहते दवाइयों का तो वो डॉक्टर होता है वो फार्माकोलॉजी. अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो फिर ऑप्शन कौन सी सही होगी सी बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड.
A human insulin gene is being added in bacteria in order to create a useful substance. जो ऐसे पेशेंट जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उसमें इंसुलिन जो है उसका जो जीन उस बैक्टीरिया में डाल दिया जाए और फिर देखा जाए कि इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं. होप यू लाइक इट. कीप स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कंट्री, योर फैमिली. और स्टडी करने से ही मुकाम मिलता है. If you guys want to get more information and want to attend my live video lecture, you guys can visit at City College Campus 1, Jalal Center, or you guys can visit Campus 2, Shahdara Station. Allah Hafiz, keep smiling and keep studying.